वेलकम बैक, आई एम ईला एंड दिस इज माई चैनल टिप्सी ट्रेल्स। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, ये चैनल एक ट्रैवल चैनल है और जब मैं ट्रैवल नहीं कर पाती तो मैं फूड के बारे में ब्लॉग करती हूँ, और जब फूड भी नहीं होता तो मैं कुछ नहीं करती। तो खैर, आज का वीडियो बहुत ही कैजुअल होने वाला है, बहुत ही चिट चैटी होने वाला है। तो आई सजेस्ट कि आप लोग अपने पॉपकॉर्न, अपने चिप्स, अपनी पेप्सी, जो भी खाना पीना चाहते हैं साथ में रख लें और मेरे सुनते रहें। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को यूट्यूब कम्युनिटी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप लोगों से पूछा था कि दिस एनीथिंग एट ऑल यू गाइज वॉन्ट टू नो, एनीथिंग एट ऑल यू गाइज वॉन्ट टू आस्क मी अबाउट मी, माई चैनल, माई लाइफ स्टाइल, वट एवर, यू फ्री टू आस्क मी। तो अभी रिसेंटली थोड़े सब्सक्राइबर बेस बढ़े हैं, तब भी इतने नहीं है, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैंने पूछ तो लिया है बट काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी, कोई कुछ पूछेगा नहीं मेरे से। एंड बिलीव मी गाइज, वैसा ही हुआ जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और मुझे इतने सारे फेक अकाउंट्स बनाने पड़े और अपने आप से क्वेश्चंस पूछने पड़े। पता है कितना डिफिकल्ट हो गया था ये सब। सो गाइस, अब बिना ये फालतू की बातें करते हुए अब आते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा है सोनू बारिक ने। हे एला, माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ डू यू मैनेज टू डू सच ऑसम वीडियोज, थैंक यू थैंक यू, and how's your journey in this period till now, and one more question, how and why are you so beautiful, good luck for your future endeavors। So Sonu, thank you so much for your appreciation and thank you so much for your question। मेरी travel journey बहुत ही ज़्यादा learning वाली रही है। अगर आप मेरी सबसे पहली videos देखें, अभी भी बहुत ज़्यादा time मुझे नहीं हुआ है videos बनाते हुए, but अगर आप मेरा सबसे पहले video देखें और अभी का video देखें तो आपको शायद कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन दिखेगा, व्हाट आई वाज, कि मैं कैसे बात करती थी या मैं कैसे एडिट करती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लोग व्लॉग करने के लिए, कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए व्लॉग करने के लिए, लाइट कैसे रखनी चाहिए जब आप बोल रहे हो, कब कट बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कोई भी आइडिया नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने बहुत रिसर्च करी कि कैमरा कौन सा होना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर में मुझे एडिट करना चाहिए। सो इट वॉज अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड इट इज स्टिल अ लॉट ऑफ लर्निंग। सो अभी तक जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है यार, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप लोग को दिखाते दिखाते। साथ ही आई ऑल्सो पुश्ड माई सेल्फ कि यार ये भी एक्सपीरियंस करते हैं, ये खाना भी ट्राई करते हैं, वहाँ जाके भी ट्राई करते हैं। तो उसकी वजह से मैं और भी कई जगह घूमी, वो एक्सपीरियंसेस जो मैं यूजुअली अपनी डे लाइफ में नहीं कर सकती थी वो भी मैंने एक्सपीरियंसेस करे। तो इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी, अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मैरिड फ्रेंड्स से। मैरिड फ्रेंड्स हैज़ अ ब्यूटिफुल यूट्यूब चैनल जहाँ पे वो शेयर करती हैं अपनी कुछ अमेजिंग रेसिपीज, क्विक रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज। सो हाँ, प्लीज़ फॉलो हर। एंड नाउ हर क्वेश्चन इज व्हाट्स योर डे लाइक इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में व्हाट इज माई डे लाइक। काफ़ी दिल दुखाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है ये, क्योंकि मेरा एक ट्रैवल चैनल है तो इसका मतलब है मुझे ट्रैवल बहुत पसंद था और लॉकडाउन में बिल्कुल भी हम ट्रैवल नहीं कर पाए। तो मेरा लॉकडाउन का पीरियड काफ़ी दिल दुखाने वाला रहा। खैर, पहले कुछ दिन तो लॉकडाउन के बिल्कुल ही ऐसे निकले, मतलब ऐसे डिप्रेस टाइप के निकले कि क्या करें, सुबह उठो, साफ़ सफाई करो, खाना बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर खाना खाओ, फिर नेटफ्लिक्स देखो, और बस पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। बट मेरे साथ इस पूरे लॉकडाउन में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई, वो हुआ मेरा वेट लॉस जर्नी। एंड मैंने ना बहुत सालों से काफ़ी धीरे 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 करके बट काफ़ी वेट गेन कर लिया था टू व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई हैड बिकम। I had at least gained 17 kgs in past say 3.5 years। तो मेरे को इस लॉकडाउन में ना एक बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया, क्योंकि और कुछ करने के लिए है नहीं, बाहर का खाना खा नहीं सकते, ट्रैवल करने कहीं जा नहीं सकते। तो मैंने अपना पूरा लॉकडाउन अपनी बॉडी को फिट करने में लगा दिया। तो अभी भी आई हैवंट रीच्ड माई गोल येट, आई एम स्टिल मिड वे। जितना मैंने लूज़ किया है उतना ही मुझे और लूज़ करना है। बट मेरा डे इन लॉकडाउन यूज़ टू बिगिन विद वर्कआउट एंड यूज़ टू एंड विद ईटिंग हेल्दी एंड वर्किंग आउट एंड लुकिंग आउट कि मैं कैसे अपना वेट लॉस कर सकती हूँ। तो दिस वॉज समथिंग स्पेशल इन माई डे जो मैं करती थी। आई यूज़ टू वर्कआउट फॉर 1.5 hours एवरी डे, बीट अ संडे, बीट अ मंडे, एंड दैट इज गिवन मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो आई होप आई कैन कंटिन्यू दिस जर्नी, और जब तक ये सारा कोरोना जाए तब तक मेरी बॉडी का सारा फैट भी निकल जाए। सो दिस इज हाउ माई डे वॉज लाइक ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Next question is by Anshul Maheshwari, and the question is, hello, may I know which camera and lens do you use for vlogging and photography and software for editing videos? Keep posting more videos. You are amazing. Thank you so much, Anshul. And so guys, ये वाला जो question है ना, ऐसे मुझे कई बारी questions आते हैं about the camera gear that I use और क्या equipments मैं use करती हूँ vlogging के लिए. तो इसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा topic है, मैं ऐसे ही बता तो दूंगी, but वो आप लोग के लिए भी वो same चीज़, वो सारे equipments useful होने चाहिए. तो इसके लिए एक मैं बहुत ही detailed video करने वाली हूँ, सकती हूँ मेरी next video हो या upcoming कोई video, जिसमें at length I'm going to discuss about what camera I use, what lens I use, फोटोग्राफी के लिए क्या मैं कुछ अलग करती हूँ या वीडियोग्राफी के लिए कुछ अलग करती हूँ, कितने कैमराज यूज़ करती हूँ और क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करती हूँ. सो दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू हैंडल इन डिटेल्स. अंशुल, वेरी वेरी सॉरी, मैं ये वाला आपका डिटेल में क्वेश्चन लूँगी नेक्स्ट अपनी वीडियो में, जिसमें मैं अपने सारे गेयर्स के बारे में बात करूँगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय श्रेया रानी, एंड शी आस्क्ड मी, प्लीज़ डू लेट मी नो द कैमरा गेयर यू यूज़. ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही है. मैं बहुत जल्दी इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ. सो होल्ड ऑन, आप लोग को पूरी डिटेल में पता लगेगा कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ. मूविंग ऑन, ओके, तो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं एक एक करके बताऊँगी इसके सारे आंसर्स. सो पार्थ सोनी ने पूछा है, हेलो गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे. हेलो गुड मॉर्निंग. ओके, सो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ओरिजिनली दिल्ली से हो या बैंगलोर से? सो मैं ओरिजिनली कश्मीर से हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड नाउ लिविंग इन बैंगलोर फ्रॉम पास्ट 2-2.5 years. बाकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में ही काटी है. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन दिस पेंडेमिक एंड्स प्लीज टेल योर नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन. यार काश ये क्वेश्चन आपने कुछ महीने पहले पूछा होता ना, तो मेरे पास पूरी लिस्ट थी, मुझे बाली जाना है, मुझे मालदीव्स जाना है, मुझे यूरोप के और कोई डेस्टिनेशंस जाना है, पर इस कोरोना ने सब ठप कर दिया है. अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट कहाँ जा पाएंगे. जब ये चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी तब मैं डिसाइड करूँगी कि अब कहाँ जाना सबसे पहले सेफ है. अब और ज़्यादा स्ट्रिक्टली बजट भी देखने पड़ेंगे और बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स हैं अब ट्रैवल करने की, तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही मैं बता पाऊँगी कि क्या नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकती है. तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू डेली एंड वीकली व्लॉग्स. डेफिनेटली पार्ट, मतलब मैं बहुत सो हाँ, जो लोग डेली और वीकली व्लॉग्स करते हैं ना भैया, उनको प्रणाम है, क्योंकि वो कुछ नहीं में भी इतना कुछ क्रिएट कर लेते हैं एंड पीपल स्टिक टू देयर वीडियो. सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ टैलेंट, मतलब आई शुड अप्रिशिएट. बट मुझे ना कभी कभी ऐसे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार मेरी ऐसे डेली लाइफ में तो कुछ है ही नहीं यार. ट्रैवल में तो मैं जगह दिखा देती थी, वो एक्सपीरियंस डिफरेंट होता था रोज का वहाँ पे शेयर करना. डेली व्लॉग में पता नहीं मैं कुछ बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. आप लोग बोर तो नहीं हो जाओगे, गालियाँ तो नहीं लिखने लग जाओगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में? तो इसी चीज़ का डर लगता है. बट हाँ, आई हैव गिवन इट अ थॉट, आई माइट स्टार्ट डेली व्लॉगिंग और वीकली दोज यू नो नॉर्मल व्लॉग्स ऑल्सो. सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी दोज डेली व्लॉग्स और वीकली व्लॉग्स, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू वट यू गाइज यू नो रियली लाइक वॉचिंग. एंड आप लोग को बिल्कुल ही अगर नहीं देखना है तो देर इज नो पॉइंट दैट आई शेयर माई एवरी डे लाइफ और यू नो वंस इन अ वाइल आई शेयर दोज काइंड ऑफ वीडियो. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू सी दोज डेली व्लॉग्स कमिंग और वीकली व्लॉग्स कमिंग, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, सो पार्थ्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा कैमरा एंड अदर गेयर्स यूज करते हो अलॉन्ग विद एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप लैपटॉप? सो ये वाला क्वेश्चन अगेन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ, जिसमें मैं डिटेल में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे ब्यूटिफुल बाय मीनाक्षी इज अनादर वेरी अमेजिंग यूट्यूब चैनल गाइज, प्लीज चेक आउट दैट चैनल. शी शेयर सम अमेजिंग टिप्स ऑन ब्यूटी स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ब्यूटिफुल बाय मीनाक्षी इज अ चैनल दैट आई totally trust her tips, her tricks for beauty, skincare, everything. So if you are looking for any beauty solutions, please go on and visit her channel, Stay Beautiful. And if you like it, please subscribe that channel. So Stay Beautiful ne mere se pucha hai, what has this year taught you or maybe your future aspirations, your personal and professional goals in a couple of years, something around those lines. So guys, ye year mere liye start hua tha bahut hi adventure se, mere bahut sare travel plans the, bahut sari cheeze mujhe experience karni thi, bahut sare bade bade decisions aane wale the life mein, professionally bhi personally bhi. पर जब से ये कोरोना हुआ, आई एम श्योर जैसे ही मेरी लाइफ में सब कुछ बंद हो गया, आप लोग की लाइफ में भी काफ़ी कुछ बंद हो गया होगा, काफ़ी सारे प्लान्स चेंज हो गए होंगे,
बट इस टाइम ने मुझे एक चीज जरूर सिखाई है गाइस, टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल विद योर प्लान्स, टू ऑलवेज हैव अ प्लान बी. जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में जो भी सोचते हैं वो उसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, या वो आपके हिसाब से जैसे आपने विजन किया है उसको वो उसी हिसाब से आपके लाइफ में आएगी चीज़ या होगी चीज़. यू ऑलवेज ऑलवेज हैव टू कीप अ प्लान बी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यही छोटा सा एग्जाम्पल है कि मेरा ट्रैवल चैनल है और उसके हिसाब से मेरा चैनल टोटली ठप हो जाना चाहिए, या आई वुडन्ट बी एबल टू मेक एनी वीडियोज नाउ. बट देन इफ आई वॉन्ट टू कीप दिस चैनल रनिंग एंड आई वॉन्ट टू सी यू गाइज, मीट यू गाइज एंड गेट द लव दैट आई हैव बीन गेटिंग फ्रॉम यू गाइज, एंड आई हैव टू डू अ प्लान बी वेयर even in these restrictions I travel as much as I can, और उसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे ideas सोचूं जिससे this channel keeps moving. So my learning for this year would be to never ever stop, always have a plan B and always be positive in life. Now moving on, Shivam Ayush ne pucha hai mere se, hello, what motivates you in making vlogs and in life also? And your videos are too good, and especially the way you speak and express yourself. Hey, बड़ी अच्छी लगती है यार मैं तारीफ सुन के. So thank you so much Shivam. Thank you for your question. अगर मैं honestly ना बोलूँ तो मैं बोलूँ सिर्फ मेरा travel का passion और मैं जहाँ जाती हूँ वो मैं जगह आप लोग को दिखाना चाहती हूँ. But अगर मैं honestly बोलूँ तो guys, आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो, जब वो एक एक करके वो लाइक आता है ना वीडियो पे, वो सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे चाहे दो दो करके बढ़े या पांच पांच करके बढ़े, वो जो सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, वो बहुत मोटिवेशन देते हैं. हम लोग यार ह्यूमन बीइंग्स है, वी आर ऑलवेज यू नो हंग्री फॉर एप्रिसिएशन. एंड व्लॉग्स बनाने में या वीडियोज एडिट करने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो जब उस मेहनत के लिए चाहे चार लोग चाहे दस लोग आपको कॉमेंट करके ये बताएं ना, ये ऐसे कॉमेंट्स भेजें कि योर वर्क इज अमेजिंग और यू डूइंग अ गुड जॉब एंड वी रियली लाइक योर वीडियोज, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट. सो पहली मोटिवेशन तो यही आई थी ऑनेस्टली कि आई लाइक ट्रैवलिंग एंड मुझे उसमें मजा आता है एंड आई फील गुड वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियोज. बट अब वो मोटिवेशन तब आती है जब यू नो आई अपलोड अ वीडियो एंड यू गाइज गिव मी अ गुड रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद फीडबैक्स अलॉन्ग विद यू नो सजेशंस कि मैं और क्या कर सकती हूँ. आप लोगों में से कई लोग मुझे सजेशंस भी देते हैं कि आप ऐसे करो या आप कैमरा में ऐसे रिकॉर्ड करो, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि दैट यू नो पीपल हु वॉचिंग यू आर ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व इन योर वीडियोज एंड इक्वली वॉन्ट यू टू ग्रो योर चैनल. सो दैट इज समथिंग रियली रियली नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट अगेन. एंड यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आगे भी ब्लॉग्स करते रहने में. नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आर्यन शॉ. He says, please discuss about your student life in your upcoming videos. बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है आपने आर्यन, एंड आई एम गोना आंसर दिस क्वेश्चन विद ऑल माई ऑनेस्टी. तो मैंने स्कूलिंग करी है दिल्ली से, सेंट मेरी स्कूल में, स्कूल का नाम था यूज़ टू स्टे इन द्वारका इन दिल्ली. एंड मेरी स्कूलिंग लाइफ यार ठीक ठीक रही है, बहुत ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं रही, बहुत ही लिमिटेड दोस्त थे. बट मेरी कॉलेज की लाइफ इतनी रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी एडवेंचरस, इतनी एक्साइटमेंट भरी, मतलब इतनी मस्ती करी है ना मैंने. मेरे लाइफ के वो 3 साल वॉज द मोस्ट अमेजिंग. मैंने मैत्री कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स किया है, तो मेरी गाड़ी कॉलेज में सबसे आगे खड़ी होती थी, क्योंकि मेरे को ना ऐसे पंक्चुअलिटी का बड़ा वो है कि अगर कॉलेज जैसे 8 बजे शुरू हो रहा है तो मुझे ऐसे 7:45 पे पहुंच जाना है कॉलेज. तो ये तो हो गई पंक्चुअलिटी की बात, ठीक है. तो मेरी गाड़ी सबसे पहले खड़ी होती थी अपने कॉलेज में, पर अटेंडेंस मेरी काफ़ी गोलमाल रहती थी, क्योंकि गाड़ी में हम सारी लड़कियां भर के बस पूरे दिन मस्ती करते थे, यहाँ घूमते थे वहाँ घूमते थे, बहुत मस्ती करते थे. आई हैड अ लाइफ टाइम इन माई स्टूडेंट्स लाइफ, एंड इफ एनी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ, डोंट गिव एनी हीट टू मार्क्स यार, डोंट गिव एनी हीट टू यार ये मेरे से ज़्यादा इसके मार्क्स आ गए, मेरे दोस्त के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गए, मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा. गाइज, जिस स्टेज पे मैं आज हूँ ना, इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द मेमोरीज दैट यू मेक ड्यूरिंग योर स्कूल लाइफ, ड्यूरिंग योर स्टूडेंट्स लाइफ. बिकॉज अब इस स्टेज पे जब मेरी स्टेज पे आते हैं ना, या व्हेन यू 25-26 इस स्टेज पे आते आते यार लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं अपने ऊपर, तो वो इन्जॉय करने का मज़ा नहीं आता जो एक स्टूडेंट लाइफ में आता है, जो एक कॉलेज लाइफ में आता है. तो मेरी कॉलेज लाइफ तो बहुत अमेजिंग रही है, एंड थैंक यू सो मच आर्यन ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज इसने मेरी मेमोरीज पूरी रिफ्रेश कर दी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आदित्य कुमार धूरिया, एंड इट्स अ लॉन्ग कॉमेंट वेयर ही सजेस्टेड मी अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई शुड ट्राई, इंक्लूडिंग फूड व्लॉगिंग एंड यू नो
other thing that I should try. So I will definitely try them, Aditya. Coming to his question is, you can tell me about your journey, how you started vlogging, your passion, your likes, and what you want to achieve your career goals. So, how I started vlogging का तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे दिया है. About my passions and my likes, तो मेरा सबसे बड़ा पैशन है खाना खाना, जिसकी वजह से जब भी मैं बाहर जाती हूँ बहुत सारा खाना खाती हूँ और मैं मोटी हो जाती हूँ. और उसके बाद मेरा पैशन है पतला होना, जो कि दोनों बिल्कुल साथ फिट नहीं करते, बट ये बात सच्चाई है कि एक मुझे खाना खाना बहुत पसंद है और एक मुझे पतले होने का बहुत मन है, जैसे मैं पहले थी. तो ये दो मेरे बहुत बड़े पैशन हैं. उसके अलावा आई लव डांसिंग, आई एब्सोल्युटली लव डांसिंग. जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं नाचना स्टार्ट कर देती हूँ. ऑल्सो ही इज आस्क्ड मी, व्हाट डू यू वांट टू अचीव योर करियर गोल्स. तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उन कुछ डिसिप्लिन लोगों में से नहीं हूँ जो हमेशा एक गोल बना के चलते हैं या उन्होंने अपना 5 ईयर अहेड की मैपिंग करी होती है. मुझे 2 साल पहले ये भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब चैनल कभी भी खोलूँगी. मुझे ये भी नहीं पता था मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ूंगी और यूट्यूब में आऊँगी. तो ये सब चीज़ें नहीं पता थी. तो मैंने आगे के लिए भी कुछ ऐसे अपनी गोल सेट नहीं करे हैं. ऑल आई वॉन्ट टू डू इज डू जस्टिस विद माई टाइम, to do justice with whatever I start, be it a YouTube channel या कभी अगर मैं वापस job भी start करूँ. तो ये मेरे छोटे छोटे goals होते हैं कि जो मैं करूँ वो मैं अच्छे से करूँ. मैं अगर मैंने YouTube start किया है तो I keep learning and doing new things so that people you know see that transition कि हाँ यार जहाँ से इसने start करा था ये channel और जहाँ अब ये channel आ गया है, it has come across a long journey of improvement, of you know learning. So this is my goals, that I want to learn more skills of shooting, of editing, and better my video so that you guys also like it more. So guys, that's all for today's video. Thank you so much for asking your beautiful questions. Thank you so much for always supporting me and giving me your feedback. Keep sharing that love with me always, and I'll see you guys very, very soon in my next vlog, in my next video. Till then, take care, bye bye, and